आज हम बात करते हैं आप रहते कहाँ पर हैं और इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कौन सी जगह रहते हैं कौन से शहर में रहते हैं आप अपने भूतकाल में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं या जो अभी प्रेजेंट है जो अभी वर्तमान हैं आप उसमें रहते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने भूतकाल में रहते हैं कि जो आपके पास्ट में जो कुछ कार्य हुए या आपने कुछ गलतियाँ करी या आपके साथ कुछ हुआ और हम उन सब इमोशंस को या जो भावनाएं हमारे जो जुड़ी हुई हैं उन सब इवेंट्स के साथ उन सब चीज़ों के साथ या हमारी जो मेमोरीज़ हैं जो ज़्यादातर जो ख़राब मेमोरीज हैं हम उनके साथ जुड़े रहते हैं और उस वजह से हम अपने वर्तमान को ठीक से जी नहीं पाते और जो कुछ एक जो परसेंटेज है इनफैक्ट ये इतनी बड़ी परसेंटेज नहीं है लेकिन ये भी एक परसेंटेज है काफ़ी बड़ी है ये भी जो अपने भविष्य में रहते हैं जो अपनी सिर्फ ये चिंता करते रहते हैं कि फ़्यूचर में क्या होने वाला है और उसमें क्या परेशानी आ सकती है और उसके सारे चैलेंजेस आप उसके सामने रहते हैं और इस वजह से आप अपने वर्तमान को नहीं जी पाते तो अच्छी बात ये नहीं है कि आप अपने भविष्य में जी रहे हैं या भूतकाल में जी रहे हैं इनफैक्ट भूतकाल का तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा है नहीं क्योंकि उसके जो कष्ट हैं या आप उसकी जो परेशानियां हैं या उसके जो इमोशंस हैं और ज़्यादातर जो खराब इमोशंस हैं अगर आप उनको अभी लिए बैठे हैं तो ये तो बिल्कुल उचित नहीं है भविष्य के बारे में आप बिल्कुल सोच सकते हैं और उसमें कोई परेशानी नहीं है और पास्ट के आप अपने अच्छे से अच्छी मेमोरीज मेमोरीजें आप उनको रख सकते हैं और जो पुराने जो खराब एक्सपीरियंस है उनकी लर्निंग रख सकते हैं और ये घूम फिर के एक बात आती है कि आप वर्तमान में जिए वर्तमान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वर्तमान में जीना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग इसे मिस कर जाते हैं और हम इस वाली बात को समझने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जीना क्यों ज़रूरी है और वो यहाँ पर बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल ये स्पेसिफाइड है कि हमारे सामने जो हमें कार्य करना है उसकी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो कर्म हैं हम जो कार्य करते हैं या हम जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी से हमारा जो फ्यूचर है वो बेहतर बनेगा और जो हम अभी कर रहे हैं ये हमारा भूतकाल बन जाने वाला है यही हमारा पास्ट बन जाएगा आने वाले समय के अंदर तो अगर हमने अभी का कार्य अपना अच्छा कर लिया तो हमारा भूतकाल भी अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर भी बेहतर हो जाएगा और लेकिन हम अपने इस पास्ट की वजह से या हम फ्यूचर की चिंता की वजह से हम अपने जो वर्तमान को भूल जाते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्लैरिटी होने की ज़रूरत है एक्सेप्टेंस की जो है आपके साथ आप जो हैं या जो परेशानियाँ हैं या जो आपके साथ अच्छाइयाँ हैं वो एक्सेप्ट करना उस चीज़ को रियलाइज़ करना कि ये परेशानियाँ हैं चैलेंजेस हैं और हैं तभी आप उनको फेस कर पाएंगे और जो आप हैं उसी में प्रसन्न रहना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जितना होता है हम उससे प्रसन्न नहीं होते इनफैक्ट जो नहीं होता उसको देख देख के परेशान होते रहते हैं और ये हमें हमेशा कष्ट में रखता है इसलिए हमें ये बात को समझना ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग रहनी बहुत ज़रूरी है मन की शांति बहुत जरूरी है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि फुलफ़िलमेंट और आपकी पीस ऑफ माइंड की पूर्ण संतुष्टि और मन की शांति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारे लाइफ के मेन गोल्स हैं और ग्रेटिट्यूड कि हम थैंकफुल हों जो हमारे पास है हमारे पास परिवार है या हमारे पास कुछ शक्तियाँ हैं या कुछ स्किल्स हैं या हमारे पास जो भी हमारी लाइफ है या जो हमारे पास अच्छी चीज़ है जो और लोग डिज़ायर करते हैं वो अगर हमारे पास है तो हमें उसके लिए ये सब चीज़ें होनी बहुत जरूरी है अगर हमारे पास ये सब है और उसके लिए मैं पूरी मेहनत अपनी पूरा दम डाल के अपना कार्य करने को तैयार हूँ अपना करेक्टर को अच्छा रखा हुआ हूँ तो मेरा ये जो प्रेजेंट है ये पास्ट बन जाने वाला है और अगर मेरा ये प्रेजेंट सही है तो मेरा फ्यूचर भी समझ जाएगा तो हमें कहाँ क्या नहीं करना है क्योंकि जो लोग पास्ट में रहते हैं उन्हें गिल्ट रहता है शेम रहता है या कुछ रिग्रेट रहता है कुछ पश्चाताप रहता है कि हमने ये क्यों किया ऐसा क्यों किया या कहीं ना कहीं उनकी कुछ ऐसी ख़राब फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी है जिससे वो उनके डिप्रेशन फील होता है जो आपको डिप्रेशन होता है वो क्यों होता है क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है या फ्यूचर का भी टेंशन है आपको उस वजह से दोनों मिलकर आपको डिप्रेस कर देते हैं या कुछ ऐसा हुआ जो आप नहीं चाहते थे वो अच्छा नहीं था तब आपको कष्ट होता है या बार बार आपके दिमाग में वो बातें चलती रहती हैं कि ये क्या हुआ क्यों हुआ उसके ऊपर प्रश्न आते रहते हैं और कई सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती उस चीज़ पे आप सोचते रहते हैं और उसका कुछ फ़ायदा नहीं है या कुछ ज़्यादा एनालाइज करे जा रहे हैं कि इसका कुछ फ़ायदा नहीं है तो पास्ट का तो कुछ फ़ायदा है नहीं तो खास तौर से आपको पास्ट के लिए क्या करना है कि जो अच्छी मेमोरीज हैं उसको रखना है और जो ख़राब आपके साथ एक्सपीरियंस हुए उससे लर्निंग लेनी है और उन सबको यहाँ प्रेजेंट पर लगाना है आप फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में तो कुछ पता है नहीं कुछ भी हो सकता है तो आप उस अननोन क्योंकि फ्यूचर में क्या है उस अननोन से बहुत डर लगता है जो हमने पता नहीं कि कौन सी जगह जा रहे हैं और यही है कि कुछ भी हो सकता है और जब फ्यूचर में आपको कुछ अंदाज नहीं है तो आपके सामने हजार क्वेश्चन आएंगे इसके उत्तर के कोई नहीं दे सकता आपको उस चीज के लिए कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता और इसलिए आपको कष्ट होता रहेगा और हमारे दिमाग में या तो वाटिफ आता है अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा या हमारे सामने दिमाग में जो आता है वो वर्ष केस आता है कि बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और हमारा दिमाग जो है वही चीज़ सोचता रहता है आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हमारे घर में कोई टाइम पे नहीं आता हमारे परिवार का सदस्य होगा तो हमारे दिमाग में अच्छी चीज़ नहीं आती हमेशा खराब चीज़ आती है जबकि वो इंसान हो सकता है कुछ बढ़िया काम, काम कर रहा हो अच्छा काम कर रहा हो और इसलिए हम चिंता में रहते हैं और चिंतित रहते हैं और हम परेशान रहते हैं तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने वर्तमान को बेहतर बनने की कोशिश करें क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पास्ट बिल्कुल रहेगा आपके साथ आपसे मुक्त नहीं हो सकते और फ्यूचर का चिंता रहेगी लेकिन अगर आप अपना सारा फोकस अपने प्रेजेंट पर डालने की कोशिश करें कॉन्शियसली आपको ये जान उसे करना है क्योंकि ये दोनों रहेंगे साथ में लेकिन इनकी इनकी जो शक्ति है उसे कम कर देना है और आपको क्या करना है पास्ट के लिए पास्ट में जो अच्छे एक्सपीरियंसेस उसकी मेमोरीज रखनी है और जो ख़राब एक्सपीरियंस है उसकी लर्निंग रखनी है और फ्यूचर की आपको डेफिनेटली प्लानिंग करनी है आपको ध्यान रखना है तभी आप इस कार्य को कर पाएंगे ठीक से तो ध्यान रखें कि आपको अपने प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट को अपना बेहतर